ॐ नमो गुरुपादुकाभ्ये नमः। ॐ नमः गुरुपादुकाभ्ये नमः। परेभ्यः नमः, परेभ्यः परपादुकाभ्ये नमः। परेभ्यः परपादुकाभ्ये आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्ये नमः। ॐ नमो गुरुपादुकाभ्ये सब लोग साथ में बोलेंगे ओम नमः दत्त पादुकाभ्ये नमः। ओम नमः गुरुपदाम्बुजे अज्ञातिमिरान्धस्य चक्षुरुन् मिलितं येन चक्षुरुन् मिलितं दत्तात्रयाय नमः। तस्मै श्री गुरवे ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं कृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरु मन्त्रमूलम्
पूर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुकृपा। हम सबके प्राणाधार जीव मात्र में व्याप्त चैतन्य रूप गुरु तत्व सिद्धों संतों दैवों दैत्यों ऋषियों महर्षियों सतियों सिद्धों जीव मात्र के तत्व रूप ज्ञान रूप मोक्ष मार्ग के एकमात्र प्रदाता ऐसे हम सब के प्राणाधार ऐसे हमारे परम प्रिय आत्मस्वरूप जो हमारे अंतःकरण में कण कण में व्याप्त है ऐसे श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज को उनके सिद्ध मंडल देव मंडल नाथ मंडल सर्व मंडल के साथ पूज्य श्री के श्री चरणों में प्रणाम 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 नमस्कार। उपस्थित सभी दिव्यात्माओं गुरु पूर्णिमा गुरु पूजन गुरु शक्तिपात गुरु कृपा की इस अद्भुत अनुभूति के साथ वैखरी का जहाँ बहुत कम स्थान है ऐसी स्थितियों में आप हम रहते हुए भी व्यवहारिक वैखरी आदान प्रदान के तौर पर आज का यह शुभ दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व हम आप सब अपने हृदय कमल पूर्वक हमारे प्राणाधार श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज को उनके सिद्ध मंडल नाथ मंडल उनके मंडल के साथ आज का ये दिन हमारे भाव प्रेम भक्ति सेवा त्याग काम क्रोध लोभ हमारी जो कोई भी उपलब्धियां हैं उन सब के साथ हे गुरुदत्त महाराज आज हम सब हृदय पूर्वक आप मन में संकल्प करें प्रार्थना करें। हे गुरुदत्त महाराज आज हम सब हृदय पूर्वक आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपने हृदय को सर्वस्व हमारे मन चित बुद्धि आत्मा सातों शरीर पंचों प्राण इत्यादि जो कुछ भी जाना अनजाना हमारे पास है उन सब को सर्वांग के साथ हे गुरुदत्त महाराज हे सिद्धों के सिद्ध देवों के देव मुक्ति के दाता गिरनार में स्थित ऐसे दत्तात्रेय महाराज आप हमें स्वीकार करें हम आपको आपके श्री चरणों में सर्वांग के साथ समर्पित करते हैं प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हे गुरुदेव आज से हम आपके आप हमारे हुए हम आपको अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं करने की कोशिश करते हैं और आपसे आपका प्रेम आपकी कृपा और आपका आदेश चाहते हैं। हे दत्त महाराज आज से हम कोशिश करेंगे कि आपसे हम आदेश ग्रहण करें और आपके आदेश के अनुसार अपना जीवन आगे जीने की कोशिश करें। गुरुदेव प्रणाम आदेश आदेश आदेश। बोलो गिरनारी महाराज गुरु दत्तात्रेय महाराज हरि ओम तत्सत जय गुरु दत्त।
बहुत ही दिव्य गुरु पूजन सिद्ध मंडल देव मंडल के साथ आप हम सब की हृदयस्थ भावनाओं के साथ आपने हमने किया, जो पूजन स्थूल में नहीं करते थे वो मानस पूजन शास्त्रों में कहा है सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे मानव पूजन मानस पूजन के साथ आप हम सबको सिद्ध मंडल देव मंडल एवं गुरु दत्तात्रेय महाराज की जानी अनजानी अहैतु की कृपा इस पूजन के दरमियान प्राप्त हो चुकी है, उसका एहसास आप हम सबको होगा ही और हो ही रहा होगा। पूज्य श्री का आदेश था, यह मार्ग आदेश का है, यहाँ तर्क वितर्क के लिए बहुत कम स्थान है। पूज्य श्री का आदेश था कि आप आज थोड़ा सत्संग करिए, मैं शाम को अपना वक्तव्य जरूर दूंगा, तो उनके आदेश अनुसार हमें यहाँ ये सत्संग की आवश्यकता हुई है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन है, एक ऐसा नक्षत्र है, एक ऐसा पल है, जब हम गुरु पूजन करते हैं प्रत्येक साल, तो ये एक ऐसा समय है कि जिसमें गुरु की चेतना पूर्णतया अपने पूर्ण कलाओं में, कृष्ण का जन्म 16 कलाओं के साथ है, अन्य अवतारों का अन्य कलाओं के साथ है, लेकिन आज प्रत्येक कलाओं के साथ पूर्ण शक्ति के साथ गुरु अपने शिष्य को दृष्टि मात्र से, संकल्प मात्र से, स्पर्श मात्र से, कोई प्रसाद प्रदान करने के मात्र से एक ऐसी चीति को बढ़ाता है, प्रवाहित करता है, एक ऐसी चीति आज गुरु के माध्यम से सहज में प्रवाहित होती है कि आप जितने भी यहाँ बैठे हैं, चाहे दत्तात्रेय महाराज का दर्शन करें, चाहे पूज्य बापू श्री का, क्योंकि 15/11/75 को वो गुरु दत्तात्रेय को प्राप्त करके उन्हीं का स्वरूप पाए हैं, तो आज के दिन उनके दर्शन मात्र से एक संदेश दिए हैं आज, मुझे लगता है मेरे माध्यम से, कि हे बच्चों, मेरी वाणी की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा दर्शन कर लो और जो तुम्हें संकल्प में हो, जो तुम्हारा भला होगा वो अपने आप दत्त महाराज करेंगे, ऐसा एक संदेश मुझे लगता है आज गुरु तत्व आप सबको दे रहा है, तो इस संदेश को धारण करिए। ये चेतना है, ये शक्ति है, ये सहज में अंतर से अंतर को प्रवाहित होती है, उसके लिए कोई फूल, कोई हार, कोई पुष्प, कोई इत्र की आवश्यकता नहीं रहती। अगर दिल में प्रेम है तो सबसे बड़ा जो तोहफा है, सबसे बड़ी जो प्रसाद है, सबसे बड़ा समर्पण का जो माध्यम है, वो दो छोटे छोटे आंसू जो हमारे दिल के कोने से टपक जाते हैं अपने गुरु महाराज के लिए, उससे बड़ा कोई तोहफा, कोई समर्पण आज के दिन उनको नहीं हो सकता है। आप हम सब, मैं कल भी बताई कि 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो पल है, दोपहर के बाद अवश्य सत्संग होगा, हर एक प्रवृत्तियाँ होगी, लेकिन जो पल, जो शक्ति
अपने मंडल के साथ उपस्थित है, आना पड़ता है। कृष्ण को बांधा गया कथा नहीं है, और एक कृष्ण नहीं था, हमारे जैसे पूज्य श्री जैसे। हमें अपने गुरु के प्रेम पर गर्व है कि हमने भी उनको बांधा है, पूज्य श्री ने भी उनको बांधा है एक प्रेम की डोर से, और आप सब ने भी उनको अनन्य रूप से अपने हृदय के कोने में बांध रखा है। तो जब ये पूजन होता है उनको आना पड़ता है। वो डोर जो है, जो कल मैं आप बताई, आप जे तारा अंतर नो एक तार, बीजू हूँ काई न मांगू। आप जे तारा अंतर नो एक तार,